हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ का एक और वीडियो लेके एक बार फिर आप व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और व्यूवर, आज की इस वीडियो में हम 1975 की टॉप 20 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ की डिटेल, इन मूवीज़ के जेंडर, IMDb रेटिंग, बजट और इन मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और व्यूवर, हमारी ये आज का वीडियो भी हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि दीगर व्यूवर्स को भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर हमारी आज की कोशिश आप व्यूवर्स को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, बात करते हैं 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 20 पर रहने वाली फिल्म का नाम है उलझन, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रघुनाथ झलानी ने। फिल्म की लीड कास्ट में अशोक कुमार, संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित शामिल थे। और इस फिल्म का बजट था 75 लाख, और इसने इंडिया में 90 लाख के कलेक्शन की, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 1 करोड़ 65 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर उलझन एक एवरेज मूवी करार दी गई। और फ्रेंड, बात करते हैं 1975 में नंबर 19 पर रही फिल्म प्रेम कहानी। फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने, और फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज़ और शशि कपूर शामिल थे। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 मार्च 1975 को, और ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 90 लाख, और फिल्म ने इंडिया में 95 लाख के कलेक्शन किए, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 1 करोड़ 85 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर प्रेम कहानी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। और फ्रेंड, 1975 में नंबर 18 पर रहने वाली फिल्म का नाम है चुपके चुपके। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन शामिल थे। और ये फिल्म 11 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई थी, और ये कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.4 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 65 लाख, और फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ के कलेक्शन किए, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 2 करोड़। और बॉक्स ऑफिस पर चुपके चुपके एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई थी। और व्यूवर, 1975 में नंबर 17 पर रहने वाली फिल्म का नाम है उमर कैद, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सिकंदर खन्ना ने। फिल्म की लीड कास्ट में सुनील दत्त, जितेंद्र, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय शामिल थे। और यह फिल्म 13 जून 1975 को रिलीज हुई थी, और ये एक एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 75 लाख, और फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 5 लाख की कलेक्शन की, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़। और बॉक्स ऑफिस पर उमर कैद एक एवरेज मूवी करार दी गई थी। 1975 में नंबर 16 पर रहने वाली फिल्म का नाम है जमीर, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रवि चोपड़ा ने। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, सायरा बानो और शमी कपूर शामिल थे। और यह फिल्म 21 मार्च 1975 को रिलीज हुई थी, और ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.1 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 5 लाख, और फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 10 लाख के कलेक्शन की, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 15 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर जमीर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और फ्रेंड, 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 15 पर रहने वाली फिल्म का नाम है दो ठग। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था SD नारंग ने, और फिल्म की लीड कास्ट में हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे। और ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 80 लाख, और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 1 करोड़ 15 लाख, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 2 करोड़ 25 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर दो ठग एक एवरेज मूवी करार दी गई थी। 1975 में नंबर 14 पर रही फिल्म धर्म करम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रणधीर कपूर ने, और फिल्म की लीड कास्ट में राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा और दारा सिंह शामिल थे। और ये फिल्म दिसंबर 1975 को रिलीज हुई थी, और ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.9 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़, और इसने इंडिया में 1 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन की, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 35 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर धर्म करम एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई थी। और फ्रेंड, 1975 में नंबर 13 पर रही फिल्म जूली। इस फिल्म का डायरेक्ट किया था KS सेतु माधवन ने, और फिल्म की लीड कास्ट में लक्ष्मी, विक्रम और नादिरा शामिल थे। और ये फिल्म 18 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई, और ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फैमिली मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.2 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 55 लाख, और फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 40 लाख के कलेक्शन की, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 75 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर जूली एक हिट फिल्म साबित हुई। 1975 में नंबर 12 पर रही फिल्म काला सोना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रवि कांत नागाइश ने, और फिल्म की लीड कास्ट में फेरोज खान, परवीन बोबी, प्रेम चोपड़ा और डेनी शामिल थे। और ये फिल्म 19 सितंबर 1975 को रिलीज हुई थी, और ये एक एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.4 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़, और इसने इंडिया में 1 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 85 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर काला सोना एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई।
1975 में नंबर 11 पर रहने वाली फिल्म का नाम है जख्मी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा ठाकुर ने और फिल्म की लीड कास्ट में सुनील दत्त, आशा पारेख और तारिक खान शामिल थे। और ये फिल्म 23 मई 1975 को रिलीज हुई और ये क्राइम ड्रामा म्यूजिकल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.4 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 90 लाख और फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 60 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 3 करोड़ 15 लाख और बॉक्स ऑफिस पर जख्मी एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई। और फिर 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 10 पर रही फिल्म चोरी मेरा काम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बिट ने और फिल्म की लीड कास्ट में अशोक कुमार, शशि कपूर, जीना तवान, प्राण शामिल थे। और ये फिल्म 2 मई 1975 को रिलीज हुई थी और ये कॉमेडी म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.9 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 85 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 70 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 3 करोड़ 35 लाख और बॉक्स ऑफिस पर चोरी मेरा काम एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। और फ्रेंड 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 9 पर रही थी फिल्म रफू चक्कर और फिल्म को डायरेक्ट किया था नरेंद्र बेदी ने और फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, नीतू सिंह और मदन पुरी शामिल थे। और ये फिल्म 1 अक्टूबर 1975 को रिलीज हुई थी और ये एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.9 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 85 लाख और फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 75 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 3 करोड़ 40 लाख और बॉक्स ऑफिस पर रफू चक्कर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। और फिर 1975 में नंबर 8 पर रही फिल्म वारंट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने और फिल्म की लीड कास्ट में देवानंद, दीना तवान, प्राण शामिल थे। और ये फिल्म 7 नवंबर 1975 को रिलीज हुई थी और ये एक एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 80 लाख और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 2 करोड़ और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 4 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर वारंट एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी। 1975 में नंबर 7 पर रही फिल्म खेल खेल में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रवि टंडन ने और फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, नीतू सिंह और राकेश रोशन शामिल थे। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 16 मई 1975 को और ये कॉमेडी रोमांटिक थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.5 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 90 लाख और फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 4 करोड़ 30 लाख और बॉक्स ऑफिस पर खेल खेल में एक हिट फिल्म करार दी गई थी। और फ्रेंड 1975 में नंबर 6 पर रहने वाली फिल्म का नाम है धर्मात्मा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फेरोज खान ने और फिल्म की लीड कास्ट में फेरोज खान, हेमा मालिनी, नादिर हुसैन शामिल थे। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 25 जुलाई 1975 को और ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.7 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर धर्मात्मा एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और फ्रेंड 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 5 पर रहने वाली फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दुलाल गोहा ने और फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत शामिल थे। और ये फिल्म 27 जून 1975 को रिलीज हुई थी और ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.2 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 6 करोड़ 87 लाख और बॉक्स ऑफिस पर प्रतिज्ञा एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और फ्रेंड 1975 में नंबर 4 पर रहने वाली फिल्म का नाम है दीवार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने और फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा रॉय, नीतू सिंह और परवीन बॉबी शामिल थे। और ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई और ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.1 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख और फिल्म ने इंडिया में 4 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 7 करोड़ 40 लाख और बॉक्स ऑफिस पर दीवार एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और फ्रेंड 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 3 पर रहने वाली फिल्म का नाम है सन्यासी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सोहन लाल कुंवर ने और फिल्म की लीड कास्ट में मनोज कुमार, हेमा मालिनी और प्रेमनाथ प्रेम चोपड़ा शामिल थे। और ये फिल्म 17 अक्टूबर 1975 को रिलीज हुई और ये एक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.8 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 82 लाख और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किए 4 करोड़ 50 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 9 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर सन्यासी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और फ्रेंड 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर रहने वाली फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय शर्मा ने और फिल्म की लीड कास्ट में कनन कौशल और भारत भूषण शामिल थे। और ये फिल्म 30 मई 1975 को रिलीज हुई थी और ये ड्रामा फैंटेसी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 60 से 70 लाख के दरमियान और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन में 5 करोड़ और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर जय संतोषी माँ ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई थी।
और व्यूअर अब हम बात करते हैं 1975 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर वन पर रहने वाली फिल्म थी शोले, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे रमेश सिबी ने, और फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, अमजद खान शामिल थे। और यह फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई थी और एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.2 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 3 करोड़ और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 15 करोड़ और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 30 करोड़, और बॉक्स ऑफिस पर शोले एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई। और अपने इस स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस की वजह से 1975 की ये टॉप नंबर वन मूवी साबित हुई, और इतने बड़े कलेक्शन 1994 तक इस मूवी का रिकॉर्ड किसी मूवी ने नहीं तोड़ा। फिर यहाँ पर आकर सलमान खान स्टारर मूवी हम आपके हैं कौन, इसने शोले मूवी का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।